तमिलनाडु की राजनीति क्या देश की राजनीति को एक नई राह दिखाएगी? सबसे बड़ा सवाल देश की राजनीति के साथ यह है कि यहाँ पर जिस तरह की द्रविड़ राजनीति है, जिस तरह से अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच अभी तक संघर्ष रहा है, राजनीतिक लड़ाई चलती रही है, क्या इसमें कोई तब्दीली होगी? क्या भाजपा और बाकी जो दो तीन पार्टियां उतरी हैं वह कोई सेंध लगा पाएंगी? शायद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से धीमे धीमे भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने, पूरी की पूरी आरएसएस की टीम ने यहाँ पर अलग ढंग का एक वितान खड़ा किया है, अलग ढंग से यहाँ पर मंदिरों को रिक्लेम करने, मंदिरों के इर्द गिर्द को राजनीति को केंद्रित किया है, क्या उसका असर द्रविड़ राजनीति पे पड़ेगा? क्या उसका असर तमिलनाडु की पेरियार की धरती पर पड़ेगा, जहाँ पर दूसरे ढंग का एक साझा संस्कृति का पूरा दौर इस राज्य ने देखा है? इसके लिए हमने सफर किया चेन्नई से मदुरई तक का, और चेन्नई से लेकर हम गए पांडिचेरी के बिल्कुल सटे हुए इलाके तक, ताकि हम पता कर सकें कि किस तरह से लोग इस मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में अपना मन बना रहे हैं। हमें बहुत ही दिलचस्प महिलाएं मिली। वह महिलाएं चेन्नई से लेकर पांडिचेरी के बीच जिस तरह के ढाबे चलते हैं, ओनली कॉफी शॉप वहां पर चला रही थी अपना ढाबा, पिछले 5 सालों से चला रही है। और उनसे जब हमने बात की तो पता चला कि अंदर ही अंदर भाजपा ने सेंध लगा रखी है, और निश्चित तौर पर इसमें जाति का बहुत बड़ा भाग है। तो ये पूरा का पूरा इलाका रामदास का भी इलाका रहा है। जिस तरह से यहाँ पर पीएमके ने जाति आधारित समीकरण को दक्षिणपंथी मोड़ दिया है, शायद उसका असर इस इलाके में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। वे बात करती हैं मोदी के बारे में, वे बात करती हैं कि मोदी भारत के लिए अच्छा है, और हो सकता है अगर तमिलनाडु में आए तो भी अच्छा रहेगा। जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या अच्छा रहेगा, तो उनके पास बहुत ठोस कारण नहीं था, लेकिन उनके पास सीधा सीधा जो जवाब था वह जवाब यह था, यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। दो ही राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई अच्छी नहीं है किसी भी राज्य के लिए। இப்படி வரணும், நம்ம இந்தியா நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல வெளியே போயிட்டு நிறைய கொண்டு வராங்கல்ல, சார் யாருன்னா யார் வந்தாலும் சந்தோஷம் தான், வரவங்க நல்ல செஞ்சா செஞ்சான். ஆ கண்டிப்பா போடும் சார், எங்களுக்கு உங்க மனசுல எல்லாருக்கும் இப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கார்ல சார், எல்லாரும் நினைக்கிறது புதுசாக வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம், யார் வருவாங்க தெரியல. 900 ரூபாய் இப்போ 925 ரூபா வீட்டுக்கு வந்து இறங்கிறதுக்கு 980 ரூபா, அப்போ யாருக்கு நஷ்டம்? எங்களுக்கு தான் நஷ்டம். ஒரு வருஷம் குறைப்பாங்க அந்த சொன்ன வார்த்தைக்கு மட்டும், அதுக்கடுத்த 4 வருஷம் ஏற்றி தான் கொடுப்பாங்க. அவங்க இப்போ ஃபுல்லாமே கவர்மெண்டில் கல்யாணப்பட்டி எல்லாம் காலியாக தான் இருக்குது, அது ஃபுல்லாக இப்போ எலெக்ஷன் கோசம் எல்லாம் இறக்கி வச்சு. இப்போ சொன்ன வார்த்தை மொத்தம் அவங்க நிறைவேற்றினா இப்போ அவங்களால முடியுமா? இஸ்கே பாத் ஹம் பஹுஞ்சே குவானூர் விதானசபா க்ஷேத்ர மே, யா ஆரக்ஷித் சீட் ஹே, லம்பே சமய சே யஹா அண்ணா திரமுக் கா தப்தபா ஹே, யஹா கே விதாயக் ரஹே ஹே, இஸ் சமய யஹ சீட் பிசிகே கோ மிலி ஹே, तिरुमावलम की जो पार्टी है, जो दलित पार्टी है, उसको मिली है। यहाँ प्रचार बिल्कुल अलग ढंग का प्रचार है। यहाँ उनके प्रचार में हमें दिखाई दिया कि अंबेडकर के साथ मार्क्स खड़े हैं, पेरियार खड़े हैं, तमाम और लोग जो सामाजिक परिवर्तन की एक लंबी विरासत को तमिलनाडु की धरती में सजाते रहे हैं, वे सब बैनर पर थे। हमने बात की उनका प्रचार प्रसार करने वाले लोगों से, और साथ में जो लोग और खड़े थे उनसे। वणक्कम, நாங்கள் கோட்டகுப்பம் நகரச்சே விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கோட்டகுப்பம் நகரச்சியாளர் பேசுகிறேன். இந்த வானூர் தொகுதி பார்த்திங்கன்னா கடந்த 20 ஆண்டுகாலமாக அதிமுக தான் இங்கே ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறாங்க. தொடர்ச்சியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மக்களுக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை. 20 வருஷங்காலமாக அவங்க வந்து 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வாக்கு வந்து வாங்குகிறாங்க மக்கள்கிட்ட, ஆனால் அதுக்கப்புறம் வர்றதே இல்லை. இறுதியாக அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு வராங்க, வந்து மறுபடியும் வாக்கு கேட்குறாங்க, பணத்தை கொடுத்து மட்டும்தான் வாக்கு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் மக்களுக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை.
அதனால இந்த இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா வன்னி அரசுன்ற அருமையான எங்களுக்கு ஒரு வேட்பாளர் கிடைச்சிருக்காரு. வணக்கம், நான் பிரபாவதி, மகளிர் விடுதலை இயக்கம். வானூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளர் வந்த ஓரிரு தினங்களில் வந்து இங்கே களமாற்றிட்டு இருக்கோம். சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அதிருப்திகள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மூலமாக இருக்குது. அது அத்தனையும் இப்போ வன்னி அரசு அவர்களுக்கு பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்குது. நான் என் பேர் சீனி ரெய்னார் முகமது. விடுதலை சிறுத்தையினுடைய உட்பிரிவான இஸ்லாமிய ஜனநாயக பேரவையினுடைய மாநில துணைச் செயலாளராக இருக்கேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பூராமே 40,000 பேருக்கு மேலே இந்த ஏரியாவில் வசிக்கிறாங்க. இந்த ஏரியாவில் 28,000 வாக்குகள் இருக்கு. இதில் 18,000 முஸ்லீம்கள் வாக்காளர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க. இங்கே உள்ள மக்கள் பூராமே கடந்த 20 வருட காலமாக அதிமுகவை தேர்வு செஞ்சு எந்த வகையிலும் முன்னேற்றம் இல்லாத அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இங்கே சாதாரணமாக பஸ் ஏறுறதா இருந்தால், ஒரு ஊருக்கு பஸ் ஏறுறதா இருந்தால் பாண்டிச்சேரி போய் தான் பஸ் ஏறணும். பாண்டிச்சேரி போய் அங்கேருந்து பஸ் மாறணும். உள்ளூருக்குள்ளே பஸ் வர்றதில்லை, டவுன் பஸ்ஸும் வர்றதில்லை, வெளியூர் பஸ்ஸும் வர்றதில்லை. இங்கே இருக்கக்கூடிய பஸ் ஸ்டாண்டை கடந்த ஆட்சியாளர் முன்னாடி உள்ள ஜெயிச்ச அதிமுக எம்எல்ஏ ஆக்கிரமித்து மீன் கடையாக வச்சுருக்கிறார். மீன் கடை பால் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அங்கே பஸ் ஸ்டாண்டே கிடையாது. இங்கே சுகாதார அலுவலகம் கிடையாது. இங்கே பொது மருத்துவமனை கிடையாது. கொரோனா காலத்தில் கூட பொது மருத்துவமனைக்கு போக முடியாமல் தடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு. இதெல்லாம் காட்டிலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் 18,000 பேர் வாக்காளர்களும் சிஏஏ என்ஆர்சி எம்பிஆர்னு சொல்லி பலவிதமான கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு மாதக்கணக்கில் ரோட்டில் சிறு குழந்தையிலிருந்து பெரியவர்கள் வர போராடி அந்த கொரோனா காலத்தில் அவங்களெல்லாம் போலீஸார் அப்புறப்படுத்தினாங்க. அந்த நேரத்தில் மூணு பக்கமும் நான் இந்த பக்கம் கடல், இந்த சைடு சுற்றி அடைப்புகளை அடைச்சி ஒரு தீவு மாதிரி ஒரு முகாம் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, அகதிகள் முகாம் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. इसी विधानसभा क्षेत्र में हमें दिखाई दिया अलर भंग का चुनाव प्रचार, जिसे करने के लिए चेन्नई से कुछ लोग गए हुए हैं। वे वहां नाटक कर रहे हैं, वे वहां बताना चाह रहे हैं कि भाजपा की जो हिंदुत्ववादी राजनीति है वह किस तरह से दलित अस्मिता के लिए खतरनाक है। हमने बात की उन महिलाओं से, महिलाओं के उन समूह से जो लगातार वहाँ डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रचार प्रसार करने का अम्बेडकर वाली विचारधारा का। I'm a social activist. We are a team of people. We are social workers. We have come here for campaigning for the candidate Vanni Arasu, who is contesting in Vanur constituency. He is part of Vidudhalai Sirudhaigal Katchi, VCK. So basically here in Tamil Nadu, we have a legacy of Dravidian politics. But right now, the Hindutva forces, BJP, has taken control of the present government, ADMP. So we have come here all the way from Chennai to campaign for this candidate because we wanted to remove BJP alliance from Tamil Nadu. So that is the sole motive that we came here. Candidate ke bare mein kya khasiyat hai, unka kya speciality hai jo aap itni dur aayi hain? Aapne kaha ki wo agar chune gaye to sansad mein bolenge, vidhan sabha mein bolenge. Feel Tamil Nadu, we have been here as a safe place, but right now since the BJP is working with the ADMK, anti-Hindutva politics is the need of the hour. So he speaks that politics. और क्या पहली बार इस तरह से कैंपेन करने आई हैं और कैंपेन में आप क्या करती हैं? We are actually like we are here for two weeks like 10-15 days. So we wanted to take the campaign in a very innovative way. So we have brought a street theater group, art team, so who will be campaigning in different pockets of this particular constituency. They will be talking about how anti-people behavior of the ADMK government, what they were doing, like in terms of bringing NEET, in terms of selling all the public sector companies, how they have been behaving like a puppet for the BJP government. इसी के साथ हमने बातचीत की पूरी के पूरे तमिलनाडु के परिदृश्य पर दलित महिला एक्टिविस्ट दीप्ति सुकुमार से। दीप्ति सुकुमार बहुत लंबे समय से तमिलनाडु में और ख़ास तौर से चेन्नई में सफाई कर्मचारियों के साथ सक्रिय हैं और उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से भाजपा अपनी बढ़त हासिल कर रही है, किस तरह से भाजपा ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर एक दलित व्यक्ति को अपना राज्य अध्यक्ष चुना है और फिर मुर्गन यात्रा निकाली गई है। वह भी तमाम जगहों पर उनके जो पारंपरिक पूरा मंदिर है उसको रिवाइव करने के लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चली उसको बहुत ही बखूबी से भाजपा ने इस्तेमाल किया। एक और बात यहाँ जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जो बहुत
ध्यान देने वाली है उसमें भूमिका है जग्गी वासुदेव की। वे तमिलनाडु में ही कैंप करते हैं, पूरा का पूरा उस तरह का उन्होंने विधान बनाया है कि मंदिरों पर खतरा है, मंदिरों को रिक्लेम करना है, मंदिरों को दोबारा हासिल करना है। और देखिए क्या अजब इत्तेफाक है, तकरीबन इसी आधार पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना प्रचार कर रहे हैं। यह दोनों का गठजोड़ तुरंत तुरंत विधानसभा सीटों में तो परिणाम कितना दिखाएगा यह अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करने का काम ये सारे के सारे कारक कर रहे हैं। आई एम दीप्ति सुकुमार एंड आई एम द नेशनल कोर टीम मेंबर फॉर सफाई कर्मचारी आंदोलन। हाउ यू आर लुकिंग दिस तमिलनाडु इलेक्शंस, व्हाट इज डिफरेंस इन दिस? I think this Tamil Nadu elections, my gut feeling is that definitely there is going to be a change in the government, and I have a very feeling that the DMK alliance is going to come through, and there will be a sweep by the DMK alliance because there are, I'm seeing many factors, and one is I think the primary thing that I am seeing above everything else is that strong feeling of the people of Tamil Nadu that they have towards throwing off and rejecting this ideology of, you know, religious intolerance and religious polarization. That is a feeling that I am getting when I'm seeing and observing, talking to different sectors of people. They all have the same thing. And I also think that the recent the COVID issues have thrown up a lot of issues of inequality, thrown up a lot of economic disparity, social disparity in the state. I think the people are also wanting to see that change in governance, and they're wanting to see a government that is pro-people, because all these years I think we have seen governments that have been pro-corporates, that I've seen that are being seeing people, governments that have been shown that, you know, the pro-rich and a neo-economy kind of a thing. I think now people are looking to see real people's issues taking center stage in any political ideology that will form in the state. Tamil Nadu चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये पोस्टर बताते हैं। इन पोस्टर से पता चलता है कि किस तरह से मजाक में या व्यंग में लोग इन चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं और EVM से लेकर तमाम नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं। इन पोस्टरों के बारे में हमें विस्तार से बताया न्यूज़ क्लिक के साथ ही निधेश ने, और साथ ही साथ यह भी बताया कि इस तरह से प्रयोग तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से चल रहे हैं।